नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको धनु राशि के जातकों को वर्ष 2020 में कैसा फल प्राप्त होगा विस्तार से बताता हूं। 1 जनवरी को ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों का गोचर किस किस भाव में किस राशि में है आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में ही धनु राशि में 5 ग्रह बुध, गुरु, केतु, सूर्य, शनि बैठे हैं। सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है मकर राशि में। थर्ड हाउस में चंद्रमा कुंभ राशि में। 7वें भाव में मिथुन राशि में राहु बैठा है और 12वें भाव में मंगल अपनी वृश्चिक राशि में बैठा है। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी गुरु की। वर्ष के आरंभ में ही गुरु फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है। 30 मार्च से 30 जून तक गुरु सेकंड हाउस में गोचर करेगा। 30 जून से फिर से वो फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा और 20 नवंबर तक रहेगा। 20 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक गुरु फिर सेकंड हाउस में गोचर करेगा। गुरु चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 2, 5, 7, 9, और 11 भावों में शुभ फल देता है। फर्स्ट हाउस में गुरु जातक को धार्मिक बनाता है। सेकंड हाउस में गुरु शुभ फलदायक होता है। वाणी में मधुरता आती है। जातक के कुटुंब के सदस्यों से अच्छे संबंध बनते हैं। कुटुंब के सदस्यों से सुख प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति होती है। धन में भी वृद्धि होती है। बैंक बैलेंस बढ़ता है। वर्ष के आरंभ में शनि फर्स्ट हाउस में है तथा 24 जनवरी से वर्ष के अंत तक सेकंड हाउस में अपनी स्वराशि में मकर राशि में गोचर करेगा। यह शनि की साढ़े सती का अंतिम चरण है जिसे उतरती हुई साढ़े सती भी कहते हैं। 12 मई से 30 सितंबर तक शनि बकरी रहेगा। धनु राशि के जातकों को साढ़े सती में मानसिक तनाव रहेगा, शारीरिक प्रॉब्लम रहेगी, शरीर में आलस बना रहेगा, कुटुंब में झगड़े होंगे, मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। जातक को शनि के मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला 108 बारी डेली जाप करना चाहिए। काले घोड़े की नाल या समुद्री नाव की कील का छल्ला मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए। वर्ष के आरंभ में राहु 7th हाउस में तथा केतु लगन में गोचर कर रहा है। राहु और केतु चंद्र कुंडली से गोचर करते समय केवल 3, 6, 10, और 11 भावों में ही शुभ फल देते हैं। अन्य भावों में अशुभ फल देते हैं। जातक को शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक तनाव रहेगा, आइस प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी से संबंधों में तनाव रहेगा, पार्टनरशिप में लॉस होगा, गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। लेकिन 19 सितंबर से वर्ष के अंत तक राहु 6th हाउस में गोचर करेगा। रोग से छुटकारा मिलेगा, लोन्स में कमी आएगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मंगल चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 3, 6, और 11 भाव में ही शुभ फल देता है। अन्य भावों में अशुभ फल देता है। केवल 4 मई से 18 जून तक मंगल 3rd हाउस में रहेगा। जातक के साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाइयों से मित्रों से लाभ होगा। अन्य भावों में मंगल का गोचर शुभ फल नहीं देगा। सूर्य चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 3, 6, 10, और 11 भावों में शुभ फल देता है। 13 फरवरी से 13 मार्च तक 3rd हाउस में, 14 मई से 15 जून तक 6th हाउस में, 16 सितंबर से 16 नवंबर तक सूर्य 10वें और 11वें भावों में गोचर करते समय शुभ फल देगा। नौकरी में उन्नति होगी, प्रमोशन हो सकती है, व्यवसाय में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अन्य भावों में सूर्य अशुभ फल देगा। बुध वर्ष के आरंभ में चंद्र कुंडली के फर्स्ट हाउस में है। बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 2, 4, 6, 8, 10, और 11 भावों में शुभ फल देता है। वर्ष 2020 में बुध 13 जनवरी से 31 जनवरी तक सेकंड हाउस में, 7 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 4th हाउस में, 9 मई से 25 मई तक 6th भाव में,
2 अगस्त से 17 अगस्त तक आठवें भाव में, 2 सितंबर से 28 नवंबर तक दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देगा। अन्य भावों में अशुभ फल देगा, व्यापार में हानि करेगा, बुद्धिमत्ता में कमी होगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगा। शुक्र वर्ष के आरंभ में सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। शुक्र गोचर करते समय सबसे अधिक 9 भावों में शुभ फल देता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, ग्यारहवें और बारहवें भावों में शुभ फल देता है। केवल छठे, सातवें और दसवें भावों में अशुभ फल देता है। 28 मार्च से 1 सितंबर तक शुक्र छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक दशम भाव में ही अशुभ फल देगा। जातक को नौकरी में, व्यवसाय में परेशानी हो सकती है, लेकिन शुक्र बाकी सभी 9 भावों में वर्ष भर शुभ फल ही देता रहेगा। कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2020 शुभ फलदायक नहीं। नमस्कार।